नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप आज अपन इस वीडियो में देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी पद्धति के प्रकार। तो ध्यान रखें मित्रों, मैं पिछली वीडियो में आपने अच्छे से समझा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्योंकि इसका उपयोग ज्यादातर गेटों में होता है। गेट हल करने के लिए हमें यह पद्धति बननी अनिवार्य है। तो इस पद्धति को हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के प्रकार। पहले से अपन इसको समझ चुके हैं कैसे हल करना है, कैसे देखना है, कैसे बात इसको डिवाइड करना है, वो देख चुके हैं। आज अपन केवल समझेंगे प्रकार। तो याद रखें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वैसे मैं पिछले वीडियो में भी आपको इतना छोटा सा बता चुका हूं हिंट में कि ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, दशमिक, संख्या पद्धति, और दूसरी होती है द्वि आधारी संख्या पद्धति। पिछले वीडियो में अपन ने संख्या पद्धति के साथ साथ न्यूनतम सार्थक अंक और अधिकतम या सर्वाधिक सार्थक अंक के बारे में भी जाना। तो दोहरा दें ताकि आपको ध्यान रहे, न्यूनतम सार्थक अंक किसे बोलते हैं। बाएं तरफ किसी भी संख्या पद्धति के बाएं तरफ जो संख्या लिखी होती है उसे न्यूनतम सार्थक अंक, और दाएं तरफ जो संख्या सबसे आगे लिखी होती है उसे सर्वाधिक या अधिकतम सार्थक अंक बोलते हैं। आज अपन मित्रों बात करेंगे दशमिक संख्या पद्धति, आखिर ये क्या संख्या पद्धति क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में मात्र चलिए देखते हैं दशमिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ये पूरा अपन इस बोर्ड से हटा दें, केवल आगे आ जाए। क्या है दशमिक संख्या पद्धति? वह संख्या पद्धति, अपन भी ज्यादा दिमाग में कुछ नहीं डालना है, वह है संख्या पद्धति जिसमें, याद रखें, जीरो से जीरो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, दस नहीं लेना है, नौ यानी कितने अंकों का, नौ अंकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए मित्रों देखते हैं दशमिक संख्या पद्धति किसे कहते हैं, आपको याद रखना है। तो वह संख्या पद्धति जिसके अंतर्गत अपन जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ आदि अंकों का प्रयोग करते हैं उसे दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। याद रखें, चलिए इस पद्धति को आगे देखते हैं और समझते हैं कि वह संख्या, अपन ने देखा वह संख्या पद्धति जिसमें जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ अंकों का प्रयोग होता है उसे दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। याद रखें,
इसमें ये नोट है, आपको थोड़ी सा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप नोट देखते हैं किसी भी चीज का तो आपको ज्यादा याद होता है, साथ साथ में आपकी नॉलेज बढ़ती है। नोट में ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये दंग के पद्धति होती है इसमें आर का मान 10 होता है, यानी आधार इसका 10 होता है, जबकि नोट ही है एक बिंदु ये नोट का है दूसरा, जबकि याद रखें किसी भी संख्या पद्धति में वो भी कहां पर दशमलव वाले शब्दों पर, दशमलव वाले अंकों पर। अब दशमलव वाले जो अंक होते हैं शब्द होते हैं, जैसे हमने भी पिछली वीडियो में देखा था 25.17 ये दशमलव वाले हैं, तो इसमें याद रखें नोट रखें ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो दशमलव के आगे शब्द होते हैं वहां एन का मान यानी नंबर ऑफ काउंटिंग 0 से प्रारंभ करते हैं, और दशमलव के जो बाद वाले शब्द होते हैं वहां एन का मान -1, -2, -3 से प्रारंभ करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यदि आपको यह ध्यान रहेगा तो आपको हल करने में एग्जाम पर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया -3324, कहा जाए इसे दार्शनिक संख्या पद्धति में व्यक्त कीजिए, तो किसी बच्चे पे नहीं बनता है लेकिन इस वीडियो में दिए उसने देखा है ध्यान से समझा है तो उसे सब बहुत शांति से सरल कर सकता है। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले देखना है क्या ये दशमिक है दशमलव वाले हैं, तो दशमलव वाले नहीं है। आप एन वाली काउंटिंग करेंगे अपन यहां से 0, 1, 2, 3 से डेड डेड डेस आगे जा सकती है संख्याएं, तो 3324 को सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 3 से, यहां से आधार अपना देखेंगे, आधार होता है इस संख्या पद्धति में 10, इस संख्या पद्धति में आधार होता है आपका 10, तो 10 रखेंगे। काउंटिंग हमने कहां से बोला था 0 से, कर लीजिए 0, 1, 2, 3 थ्री नंबर पे तो 3 की घात है, इसमें घातें घटती हैं, याद रखें चिन्ह रहेगा आपका प्लस का, फिर से दूसरे नंबर पे फिर 3 तो 3 1, वो 0 से काउंटिंग करते ही ना गुणा 10 का 0, 1, 2 तो यहां आ जाएगा 2। अगर अब ऐसा याद नहीं रहे तो घाते इसमें घटाते जाना है और कुछ नहीं करना है, फिर 2 × 10 के ऊपर यहां 3 यहां 2 तो यहां 1, फिर प्लस 4 तो 4 × 10 के ऊपर 0। अब ये आपका आंसर हो गया, इतना ही सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गई आपकी दशमिक संख्या पद्धति का पहला एग्जाम्पल, लेकिन अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे, क्योंकि इसमें एक शर्त और है कि दशमलव वाले जो शब्द होते हैं उन दशमलव वाले शब्दों में इसका मान ऋणात्मक होता जाता है, दशमलव वाले जो शब्द होते हैं उसमें इसका मान ऋणात्मक होता जाता है, तो इसलिए इसको और ध्यान से देखेंगे। जैसे एक एक संख्या ले लें अपन, 25.17 ना लेंगे 45.12 ले लिया, या 42.125 1, 2, 5 ले लिया, कोई भी संख्या ले ली, इससे सॉल्व करना है चलिए करते हैं। कार्यवाही है जैसे 4 × 10 के ऊपर कितने की घात 1, 0, 1, अपन काउंटिंग कहां से करते हैं साइड 0 से, फिर कितना है 5 + 5 × 10 के ऊपर 0 तो 0 की घात, चिन्ह क्या रहेगा प्लस, सही पॉइंट लगा तो प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो 1 रहेगा, तो 1 × 10 के ऊपर कितने की घात, काउंटिंग वहीं से होगी यहीं से स्टार्ट 1, 2, 3 इस पे 0 से नहीं करेंगे लेकिन ऋणात्मक चलेगी, प्लस 2 × ऋणात्मक चलेगी तो 10 के ऊपर 2 की घात, इसमें घातें घटती हैं और इस साइड घातें बढ़ती जाती हैं लेकिन उनके मान उतने ही कम होते जाते हैं,
पांच गुणा दस के ऊपर है, ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। अब आपने दोनों उदाहरण देख लिए, एक तो दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। जैसे पहले दशमलव जो उदाहरण देखा है आपने, चलिए इसको रिवाइड कर दे ताकि आपको ध्यान बन जाए। सदस्य संख्या पद्धति किसे कहते हैं? वह संख्या पद्धति जिसमें जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ अंकों का प्रयोग होता है, इसमें टोटल दस अंकों का प्रयोग होता है, दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। दशमिक संख्या पद्धति में आर यानी बेस यानी कि आधार होता है अधिकतम दस। और दशमिक संख्या पद्धति में छोटा सा नोट है उसे ध्यान रखना है, यदि संख्या पद्धति में दशमिक संख्या पद्धति दशमलव वाले अंक नहीं है तो इसको काउंटिंग करते हैं जीरो वन टू थ्री, लेकिन यदि दशमलव वाली संख्या पद्धति है तो आगे की दशमलव के आगे की पद्धति का उसी प्रकार से काउंट करते हैं, लेकिन जीरो दशमलव नगर से प्रारंभ करते हैं, लेकिन पीछे के जो आपके बाएं साइड के होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, उस पर ऋणात्मक काउंटिंग करते हैं और वो भी दशमलव के बाद में। ये दोनों उदाहरण आपको समझाए गए हैं। धन्यवाद मित्रों, आप अपन अगले वीडियो की ओर चलते हैं। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दशमिक संख्या पद्धति का दूसरा प्रकार द्विआधारी संख्या पद्धति क्या है और उसे कैसे हल करते हैं। धन्यवाद मित्रों।